गुड मॉर्निंग दोस्तों दोस्तों हम जा रहे थे आज गुजरात स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने, लेकिन हमें पता चला कि हैवी लॉस हो गया क्योंकि मंडे को स्टैचू ऑफ यूनिटी बंद रहता है, तो इसलिए अब हम मान ही जाएंगे। भाई लाइट चल रही है, कैन आई ओके वो दे यो, वो पता है कहाँ है? नहीं, ये क्या होता है भाई? बाबा जी का टुल्लू सक्शन माउंट? या कहाँ है? जतिन हेडिट, वो गोल वाला ना। हाँ, फेंक गया नीचे। गाड़ी ना चलाने आने का भी बहुत फायदा है, मेरे को अब समझ आ रहा है। इनको मैंने ऐसे ही बता दी मुझे गाड़ी चलानी आती है। अच्छा भला मैं ठाट से पीछे सो के जाता, लेकिन अब मुझे आगे बैठना पड़ता है बार बार। दोस्तों तो ऐसा हो रहा है कि हम 2 फेब से निकले हुए हैं, आज 5 फेब हो चुके हैं, ठीक है? तो आज हमें एनी हाउ कैसे भी करके मुंबई पहुंचना था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये हमारे लिए, ठीक है? और हम कहाँ कहाँ घूमने वाले थे? जयपुर, पुष्कर, उदयपुर, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, फिर मुंबई, ठीक है? और सब ड्राइव करके, 3 लोग। 3 में से भी आप 2 ही मानो जो ड्राइव करते हैं, मेरा तो नहीं मानो। फिर हमारी किस्मत ऐसी, हम कल उदयपुर से रात में निकल गए ताकि हम सुबह सुबह 8 बजे तक स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच जाएं, उसको फटाफट से देख के वीडियो बना के फटाफट मुंबई निकल जाएं, ठीक है? लेकिन आधे रास्ते पहुंचने के बाद रौनक को पता नहीं क्या दिमाग में आया, उसने जस्ट चेक किया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन से दिन पे बंद रहता है। वो साला मंडे निकला और हमारी किस्मत ही खराब। बट हमने बहुत ट्राई करा कि हम देखें कि गुजरात में हम क्या घूम सकते हैं, कि क्या क्या प्लेसेस टू विजिट हैं, ये है वो है, बट हमें ऐसा कुछ मिला नहीं जो मुंबई के रास्ते में हमें मिल जाता, इसलिए अब हम सीधे ही मुंबई जा रहे हैं। भाई गाड़ी क्यों मिल रही है यार? अब ये भाई मंकी मैजिक गाड़ी हिला रहा है इतनी तेज, डरा दिया इसने मुझे। तो बस दोस्तों यही है और तो क्या ही है। अब मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर, जब तक ये ब्रश व्रश करते हैं। मैं ब्रश करके मुंह हाथ धो के मस्त बैठ गया हूँ गाड़ी में, ये अपना लगे हुए हैं दोनों। हमारे सारे प्लान्स खत्म हो गए, कुछ नहीं खत्म हो। नासिक चलते हैं, पैर से कुछ लेंगे अंगूर। सही में बता, हाँ हम नासिक जा सकते हैं, मगर जतिन को मुंबई में किन्हीं लोगों से मिलना है। को जाना है नासिक, पैर से कुचल रहे अंगूर, उसका पीमा में वाइन है। चले सही बता, मैं रहे यार। दोस्तों मैं ना कुछ 8-9 मिनट गिनती के सो गया, बस इन्होंने गाड़ी घुमा दी। 8-9 मिनट क्या सोया मैं, इन्होंने पता नहीं कहाँ 8-9 मिनट जागा सुबह से। 8-9 मिनट उठा है पूरे रास्ते में। बस दोस्तों मेरी थोड़ी सी आंख लगी, मतलब ऐसे। ये पार्सल आया आपका? नहीं, बेचने का। ओहो अंकल बर्फ खिला दो। कहाँ का डिलीवरी कर देते हो? पूरे इंडिया में कर देते हो? यार हम ना बहुत ही प्यारी जगह रुके, वहाँ पे फ्रेश फार्म है, मैंगो चीकू, मैं बोलने वाला था मैंगो चैको। अमेज़न पे भी है, अमेज़न पे भी है, बहुत बढ़िया। फिर वहीं मंगा लियो। इस पे ऐसी बात करने के लिए। अच्छा झलक जाएगा। चश्मा कहाँ से लिया? गुब्बारे वाले? दोस्तों अभी हम कैरम बोर्ड खेलने लगे हैं, इन दोनों का रहूंगा। हमने पैसों से गेम लगाई है, 100-100 रुपए रख रहे हैं हम यहाँ पे अभी, और फिर देखो। रख क्या? 100 रुपए ये रहा। रख वो जी पे करूंगा ना, वैसे करना तो तुम्हें ही है तो मैं क्यों रखूं? क्या एक ही राउंड होगा या चलती रहेगी? एक ही राउंड होगा या खत्म? वाइट तो है ही नहीं, वो ब्राउन है। ब्राउन ना, चलो। और ये नहीं है, ये बकचोदी रिवर्स है, ये नहीं है, ठीक है। कितने पैकेट लेने दोस्तों? एज प्रॉमिस्ड। बोले कितने पैकेट लेने? लूजर्स आके नहीं मिलाते कभी। रौनक भाई जीपे कर रहा हूं। कितने कर रहा है? 100 रुपए। तू
लूदर आंखें नहीं मिला रहे दोस्तों, मैंने बताया ही है। 100 रुपीस जीत गया हूं मैं। चल भाई किट यार, किट यार, पूरा मैंने कोशिश किया है कि मोरल बूस्ट कराऊं यार। स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्समैन की बातें करते हैं, धोनी बेस्ट फैन है, पर जब जाते हैं ना वो हाथ मिला के जाते हैं और ऐसी बातें नहीं करते कि पाकिस्तान आंखें मिला के नहीं जा रहा। वेरी बैड, मतलब तुम मानता है कि तू पाकिस्तान है? कोई बात नहीं, रोते हैं ना ऐसे होता है। वेल प्लेड यार, वेल ट्राई, वेल ट्राई यार। फेक हम स्पोर्ट्समैन से हाथ मिलाते जो ऐसे बुली करते हैं, रोते हैं भाई। बांग्लादेश वाले भी नहीं रोते इतना। दोस्तों रौनक ने मुझे 1 रुपया कम दिया है ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, आई डोंट नो, शायद 1 रुपया वो है इसका, हारने का गम था या क्या। हाँ बोल भाई। हाँ जतिन अच्छा बच्चा भाई, जतिन इज अ क्या बोलते हैं उसको, इज अ अच्छा बच्चा। नहीं नहीं, जतिन इज अ प्रॉपर प्लेयर टाइप ऑफ पर्सन, स्पिरिट है उसमें, गेम स्पिरिट, गेम स्पिरिट होनी चाहिए, ये फायदा। सही बात, नेक्स्ट कौन सी गेम खेल। वो दिख गया समुंदर, दिख गया भाई, ऐसी अमीर होगा समुंदर, दिख गया समुंदर येरा। ये तो ऐसे दिखे दिखे, मुझे कुछ पता नहीं मेरे को कहाँ लेके जा रहे। ये बढ़िया ऐसा एक एक रोड ट्रिप, तुम दोस्तों, तुमने अपने दोस्त के साथ किया है क्या कभी, या तुम्हारा लाइफ में गोल है क्या ऐसे अपने दो समुंदर। वैसे कितने लोगों का ड्रीम होता है भाई ऐसे ट्रिप पे जाना जो हम कर रहे हैं ऐसे फन फन में बकचोदी में, है ना, क्या बोलता है। रूबेन शादी करते रहे हम आते रहेंगे। समुद्र ले आए, मुझे लगा कर रहे हैं 2 घंटे तो समुद्र किनारे ट्राई कर रहे हैं। समुद्र किनारे गाय क्या कर रही है, रूबेन दूध नहीं पीता। सही है भाई, ये तो बढ़िया हो गया, बीच पे भी चल सकते हैं, रास्ता है वो, ये रास्ता चलना। नहीं फिर तू ही लेट होएगा उसके बाद पहुंचने में। नहीं मैं गोवा रेडी हुआ, हम थोड़ी तो दोस्त, मैं गोवा रेडी हो गया भाई, गर्मी मेरे को बहुत गर्मी लगती है। बीच आ गया। पोस्टल हाईवे, पोस्टल हाईवे। अच्छा फुटबॉल भी चल रहा है भाई, ये क्या सकता हूँ। इन्होंने दोनों ने क्या किया पता है, मैं जो 8-10 मिनट सोया था ना उसी दौरान इन्होंने कुछ प्लान किया है कि हम देखते हैं कि क्या रास्ते में आए, क्योंकि हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी तो मिस हो गया, तो उन्होंने कोस्टल हाईवे ले लिया, अब उसके साइड पे चला रहे हैं। अब वो भाई, भाई उससे पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी मिनी दिखाया मैंने। हाँ मैंने भी देखा, वो तो बिल्कुल सेम देखा, सेम टू सेम, उसी से इंस्पायर होके बड़ा किया उसको। इस बीच में पानी नहीं है, समुद्र तो दूर है, ठंडक आ रही है, समुद्र तो बहुत दूर है। सच बताना जो भी गुजरात से, तुम्हें पता है कौन सी जगह है, तुम्हें पता था गुजरात में बीच है, नहीं पता ना भाई, क्या करते हो यार तू, कर एक बार तू अच्छा लग रहा है, तू डीजल दोनों का कार को पहने ना, शूज भी पहने जा, पसीने पसीने होंगे बस, थोड़ा सा भाग के वीडियो के लिए करवा रहे हैं इसकी मत। हां नहीं क्या, जा जा भाग के थोड़ा सा शॉट लेता हूं तेरा, जा जा मैं भी लूंगा, मैं वाइड में लूंगा, तू पोर्ट्रेट पे लियो जा। पता नहीं क्या हुआ भाई, भागने लग गया। ये सही बात है, मैं शादी तक पहुंचने तक बहुत टाइम हो गया दोस्तों, सॉरी फॉर द मिस इन्फॉर्मेशन, ये गुजरात नहीं है महाराष्ट्र है। मिस मी मिसिंग इन्फॉर्मेशन बहुत सॉरी, आई टुक माय फुट टू द एक्स। ओके तुझे क्या मिल गया भाई ठंड में, पुचू ये तो मेरे ऐसे। अब दोस्तों बहुत गर्मी लग रही है यार, मेरे को एक बार नहला दो यार कहीं पे प्लीज यार। आधा किलो दे दो, थोड़ा ले लीजिए इधर, ले लीजिए लेफ्ट साइड। पूरा दिन गंद खा के अब ये देखो, किलो देख, आधा किलो देख, चेक कर वेट चेक कर। निकल जाएगी गाड़ी, पता नहीं कहाँ ले आए। अच्छा वाला मुंबई बैठता हूँ भैया, पेरू भी दे दो। क्या दे दूँ, पेरू भी एक पास हो गया। ये क्या होता है पेरू, 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 अमरूद। अच्छा नहीं भैया, संतरा नहीं लिया, वो खट्टा रहेगा क्या। ये शर्ट कितने की है, किनू किनू किनू, ये तो मीठा है भैया, कश्मीर वाला, इसके लिए मीठा है, उसमें खट्टा भी आता है। पानी दियो थोड़ा साफ कर लूं।
नहीं यार ठीक है ऐसे खा ले यार, साफ ही है इनको क्या हो देना, इतना डाइवर्स इंडिया। अबे देना पानी दे। ये ले निकल गए जंतर मंतर पर आ मेरे को तो गन्ने का जूस पिला दो। दो मिनट और रुकता मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाता, डायग्नोज हो जाता मेरा भी। मजा आया, बहुत मजा आया, वेरी नाइस। आई लाइक द मार्केट वी अप्रोच टू। मुझे भी दे भाई बेर बैंच, अकेला क्यों खा रहा है। सबको लगना था भाई आगे। भैया 20 रुपए दो कप और लाओ। कप हाँ कैपोचिनो भाई दो, एक चाहिए, तीन ग्लास दे दिया। ये आंटी ने बाकी निकाल लिए थे, अगर तू एक ही ग्लास देता ना इसी डंडे से मार पड़ती तेरे को। कितने 120 दो। तू बेंचो या काम करता, तुझे सही रेट कैसे पता है? 47 रुपए हुए। कितने? 45 15 का ही है ना। सूं के देख। क्या सूंगा? क्या सूंगा भाई? क्या था? पानी लग रहा है इसमें, है पानी। दो गन्ने के गिलास जूस पी लिया मैंने। अच्छी भली ये बॉयज ट्रिप, ना जाने कब मुंबई पहुंचते ही फैमिली ट्रिप बन जाती है और हम 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 हो जाते हैं। तब मुझे लगता है कि मैं पिछले 10 दिन से तो चप्पल में घूम लिया, लेकिन अब टाइम था फॉर अपग्रेड। और तभी मैं अपना हुलिया सुधार के और ये पूमा के बहुत महंगे जूते खरीद के आ जाता हूँ अपने न्यू एवेटार में। दोस्तों हमारी जिंदगी में सब कुछ सही जा रहा था, फिर हमने ये रथ बुक कर लिया। क्यों किया है कुछ पता नहीं है। मैं कहता हूँ गिटार लेके चलते हैं इस पे। हाँ, वो पांच लोग आ जा रहे हैं। ये तेरी रौनक, और रौनक तेरी सीट है। एक शर्त पे जाऊंगा अगर रौनक यहाँ बैठेगा। चल बैठते हैं, बड़ा वाला मारे चले। बैठे कहाँ बैठने? बैठ जाएंगे। ऑप्शन भी क्या है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत फन। सच बताऊं अगर आपने मुंबई आके ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। ओ वो ऐसे 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 वो भाई देखा तूने? बबल आया, बबल आया भाई, बबल यार ये तो बहुत कूल है यार, मजा आ रहा है। मैं तेरी पहली बार पूछ कुछ अलेक्सा से बात कर। अलेक्सा विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? ओए अलेक्सा यार, दिलजीत के गाने का नाम क्या है? ओए दिलजीत के गाने बजाना। अभी मेरा फेवरेट गाना है वो, ट्रैक सुन। अलेक्सा यही है, यही है, यही है। अलेक्सा फुल वॉल्यूम। देसी क्रू, देसी बेस्ट गाना भाई। हमें गोवा निकलना है तो सुबह 7 बजे, अभी बज रहे हैं 1:40 और हम लेट क्यों है पता है? सिर्फ स्वाति की वजह से। स्वाति बहुत लेट करवाती है हर बार। क्यों रौनक है ना? बैंगलोर में भी ये डालूंगा मैं और वो देखती हुई हंस क्यों रहा है भाई? बैंगलोर में क्या वो तो कुछ नहीं कहेगी, जो पीछे स्वाति आएगी ना ये वो ऐसी आएगी ना तेरी। तो यार दोस्तों हमें गोवा निकलना था और हम सोते नहीं है, तुम्हें पता ही है क्यों जतिन सोते नहीं हम। तो फिर अब कुछ नहीं, हैवी लॉस हो गया अभी।
अभी हम तीन लोग ट्रिप पे निकले थे, ठीक है, अभी हम छह हो चुके हैं। छह हो गए, वो आ गई कन्या यार, हम दो, हमारे दो कन्या आ गए, कन्या आ गई बोल रहे हैं, कंजक डाल दे, देखा रही है उनका लट्टू। गोवा रेडी गर्ल्स? कुछ नहीं है दोस्तों, अब गोवा जाएंगे आराम से, काम लेट बैठ के जाते थे, गिर जाता भी। अब देखो आपको गाड़ी की हालत दिखाता हूँ, नहीं मिली अभी होगा स्लो, ठीक है, अभी होगा 10:37, अब इसका भी ले ले। Alexa वॉल्यूम अप। तो यार दोस्तों बात ऐसी है कि हम आए थे पहली बार कैसीनो, प्लीज पॉज द सॉन्ग फटाफट से। तो यार हम आए थे पहली बार कैसीनो, हम पहली बार जिंदगी में कैसीनो जा रहे थे, और दिस गाय मंकी मैजिक निक्कर में आ गया। बताओ, मैंने प्यूमा के जूते डाले, सॉरी पूमा के जूते पहने 11,000 रुपए के, ताकि मैं कैसीनो जाऊं सेक्सी लगूं, ये लल्लू लाल उसमें आ गया निक्कर में। बताओ अब इसकी वजह से हमें एंट्री नहीं मिल रही है, तो ये दिखाता है कि मैं भी पहली बार आया हूँ कैसीनो, मेरे को नहीं पता था। और इसको जतिन ने बोला भी था कि भाई गाड़ी में रख ले, हाँ है ना, आपको याद है? याद है मुझे। और आपको सिमरन? मुझे याद है। तो यार हाउ मच एक्साइटेड यू आर सिमरन फॉर फर्स्ट टाइम कैसीनो थिंग? प्लीज आई रियली होप दैट रौनक विन समथिंग और जतिन विन समथिंग, तो मैं वो पैसे देके, तेरे भी 3,000 लग रहे हैं। ओह सच में? हां नो सिक, वेरी एक्साइटेड राइट। एंड व्हाट अबाउट यू? हम अपने पैसे रौनक और जतिन को देने वाले हैं ताकि वो जीत के हमको लाके दे। इन सब ने ना जो मुझे वो समझ रखा है लल्लू, जब उसमें प्रॉफिट होगा, मैं सच बता रहा हूँ, देखो मैं व्लॉग में बोल के जा रहा हूँ, जब मैं ये कैसीनो खत्म होने के बाद बाहर आके व्लॉग बनाऊंगा ना, ये तरसेंगे तीन दोनों कि बाबा को क्यों नहीं हमने पैसे दिए, जो ये दोनों इनको पहले पता नहीं है ना भाई अभी। कोई बात नहीं कहीं बाबा खुद रिग्रेट ना कर रहा, किस बात का? अपने पैसे खुद क्यों लगाए बाबा की? एक बात अच्छी, मैं 3,000 की टिकट के लिए अभी 2,000 की पैंट खरीदनी पड़ेगी। इसको ऐसा भी क्या जल्दी है जीत के? 36 दे दो भैया, नहीं चेंज कर, वेरी टाइट भैया, देखो ये डालिए, वेरी टाइट भैया, ये 36 है भैया, इसमें और है क्या आपके पास? नहीं ठीक है, ठीक है, ये कलर वो तो नहीं, हाँ भैया, हाँ ये अच्छा है, ये दिखाओ, लोग देखे कैसीनो की एंट्री लेते हुए आते हुए, कैसीनो की एंट्री ली उन्होंने, वो हार गए। मेरा पहला बंदा देखो जो पहले जींस ले रहा और फिर आ रहा, डबल नुकसान, डबल नुकसान दोस्तों, ये जीत के आएगा, वी आर रेडी फॉर द कैसीनो, 25,500 रुपए जीत। आज मेरा कुछ बोलने का मन नहीं है, वो है तो अच्छा वैसे, अब मुझे रियलाइज हुआ एकदम। तो मुझे एक दुकान पे सुशीला जी मिले हैं और इन्होंने इतने प्यार से हमें अटेंड किया ना, मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। मैंने इनसे बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, मेरा गोवा ना सफल। अगर आप भी कभी एरंबोल बीच आते हो तो आप इनकी शॉप पे आ सकते हो, और शॉप का नाम क्या है? कर्नाटका जिप्सी शॉप, जो कि आपको एरंबोल मार्केट में मिल जाएगी। जब भी आप आना नमस्ते बोलना, बोलना बाबा ने भेजा है और हमने वहाँ शॉपिंग कर लिया। मैं तो अभी भी कर ही रही हूँ, एक बार आंटी मेरा वो बोल दो, हेलो दोस्तों बोल दो, 1 2 3 3 पे, नहीं 1 2 3 पे बोलेंगे, ठीक है? हाँ। कैसे बोलना है? हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, 1 2 3 पे, ठीक है? 1 2 3 के बाद, हाँ चलो 1 2 3 हेलो दोस्तों।
चलो ठीक है, नमस्ते आंटी। कब है? मलाइका मैम, मलाइका मैम। ओ भाई, रोड ट्रिप करने में लगता तो है फन, लेकिन जो गाड़ी भरने में फटती है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हालत खराब हो गई है हमारी। अभी मैं इतना अच्छा नहा धो के रेडी हुआ था, बुरे हाल हो गए। तुम्हारा घर अच्छा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हालत हो गई खराब। ड्रिंक वाटर बिफोर यू। रोड ट्रिप की रियलिटी दोस्तों, दिस गाय नो वेट, ओनली पसीना। नो वेट, वेट से याद आया जसिन का। बीच क्रिकेट खेलने लगा हूं मैं। भाई बीच पे क्रिकेट खेलने का अपना ही फन है, मैच इनका अटक गया 3-3। दो रह गया दोस्तों। मैं बीच पे पहली बार क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये है साइश और ये है ब्रजेश और मैं हूँ अभिषेक, और बहुत मजा आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। भाई आपका नाम क्या है? अभिषेक। थैंक यू खिलाने के लिए। मैंने इनको कन्विंस कर लिया कि मुझे भी खिला लो, मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अच्छा खेलूं। एक बॉल पे एक रन आ चुका है दोस्तों, दो ओवर का मैच है क्योंकि सनसेट हो चुका है, अंधेरा जल्दी हो जाएगा। शॉट है, छक्का। गुड शॉट ब्रो, गुड शॉट। दिख गई, दिख गई दोस्तों, ये बाउंड्री है। बताना अगर आपने कभी क्रिकेट खेला है, आपको इतना सुंदर व्यू मिल जाए और ऐसा बीच मिल जाए क्रिकेट खेलने के लिए, तो बताओ क्या बेटर है। दोस्तों बैट ही छोड़ दिया उसने। बॉल मांगी थी, बैट का कैच आ गया यार। यू हैड वन जॉब। बोल यार, बोल है, बढ़िया। टीम का स्कोर याद नहीं है, हमारी बैटिंग आ गई। टारगेट कितना है? अरे यार मेरी टीम का नाम क्या है? अभिषेक। चलो चलो फर्स्ट बॉल। 9-12 दोस्तों, मैच फंस चुका है खतरनाक। आपका नाम क्या है? हाँ, आप बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। ऑफ कटर। आपका नाम क्या था? मेरा नाम नतीश। नतीश, नतीश। और आपका? मलकेश। अरे वाह, मेरा अभिषेक, सब सेम सेम है। तो आप मेरी टीम में थे ना? इधर आओ। बहुत जरूरत है भाई। तो यार दोस्तों मैच फंस चुका था, अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूंगा, ये भाई बताएगा तो हमने कैसे मैच जीता, बता दो यार। भैया 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे और भैया ने 1 छक्का और 1 चौका। तो यार ये मजा आया मुझे खेल के, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को ऐसे खेलने दिया। पर मैंने इनको कोई झूठ नहीं बोलने के लिए बोला भाई, सच में। थैंक्स ब्रो, बाय, फिर मिलेंगे कभी, ठीक है। यूट्यूब पे अगर देखना चाहो तो सुकून विद बाबा पे देख लेना, ठीक है, याद रह जाएगा सुकून विद बाबा, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू भाई, बहुत मजा आया। मैच जिता के आया हूँ मैं। अगले 2 दिन ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे एक बहुत ही स्पेशल दोस्त की शादी है, और जिससे उसकी शादी है वो भी मेरी बहुत ही स्पेशल दोस्त है। अब मैं इतना सुंदर सनसेट देख रहा था ना, मेरे को इतना अच्छा फील हुआ, और तभी मेरे मन में आया कि अभी सेम रूबेन और पल्लवी को कितना अच्छा फील हो रहा होगा क्योंकि उन दोनों की शादी है। जब वो दोनों मिले थे तब मैं उनके साथ था, और अभी उनको मिले 4 साल होने वाले हैं, और 4 साल के अंदर उनकी शादी हो गई। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको दिखाने के लिए कि हम उसकी शादी पे क्या क्या धमाल मचाने वाले हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप साथ जुड़े हो ना, तो अगले 2 व्लॉग्स बिल्कुल मिस मत करना, उसमें आपको दिखने वाले हैं रुबेन और पल्लवी के सारे बिहाइंड द सीन, तो बहुत फन होने वाला है। तो यार दोस्तों ये रेडी, फोटो हो गया तो कर ले। क्या कर ले? नहीं भाई के। दोस्तों चाचा मेरे को रेडी कर रहा है, और आपको एक बहुत ही मस्त चीज बताऊं, आपने इतने सारे लोग वीडियो देखे ना, उदयपुर, पुष्कर, मुंबई, अच्छा वो क्यों थे पता है? क्योंकि हम रूबेन की शादी पे दोनों यहाँ पे आने वाले थे, और दिस गाय हैज अ वेरी गुड आइडिया। वो आइडिया था कि हम रोड ट्रिप करके जाएंगे, इसने पूरा राजस्थान में देखा था, गुजरात में देखा था, मैंने भी वैसे, तो हम रोड ट्रिप करके यहाँ तक आए। तो अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये व्लॉग्स कैसे आ रहे, क्यों चल रहे, दिस गाय मेड दिस हैपन।
ब्रदर कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया लग रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस आइडिया। वेरी नाइस आइडिया। मैं मेरे यहाँ पे स्कूल लगा देगा इसके बाद। तो यार दोस्तों अभी हम बहुत एक्साइटेड हैं। रूबेन आपको लगता है ना कि कितना अच्छा ट्रैवल करता है ना, मेरे व्लॉग्स देखते हो, उसके व्लॉग्स देखते हो, पता है ट्रैवल से कितना कुछ लाइफ में होता है। मेरे को ये भी ट्रैवल से मिला, रूबेन भी ट्रैवल से मिला, जितने भी मेरी लाइफ में अभी सब दोस्त हैं ये जो शूट भी कर रहा है ये भी ट्रैवल से मिला। तो ट्रैवल इज अ वेरी वेरी गुड थिंग अगर आप अच्छा वाले ट्रैवल करते हो, ऐसे नहीं कि कहने के लिए। अब सही लग रहा हूँ मैं? कॉमेंट करके बताओ दोस्तों हम कैसे लगे। आज आप फोटो से छाते हैं मस्त। दोस्तों पता है मुझे लग रहा था मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, ठीक है, सब बढ़िया था। मैंने इसके जूते देख लिए, यही बोल रहे हैं। फिर मैंने इसके जूते देख लिए। कम टू मी, व्हिच ब्रांड इज दिस? वर्सेज। स्पेलिंग बता।